हूँ। मैं वुमेन्स कॉलेज में ज्यादा ज्ञान की बात हम दोनों में वाले को सरप्राइज दे रहे एवरीवन नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। तो इस वाले बैकग्राउंड में काफी टाइम के बाद हम लोग अपना इंट्रो शूट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ना ये वाला पत्ता का जो हम मंगाए थे ना, एक जो मेरे वहाँ पे रूम पे है तो दो था मेरे पास, एक था ये मिरर में लगा हुआ, तो नीचे जो काम हो रहा है ना तो वो मिरर वगैरह जो है ना सारा ऊपर आ गया है। तो चलिए साथ मिलकर हम लोग एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। और आज ये छोटी दिवाली, आप लोगों को छोटी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी मम्मी ने मेरे लिए भी चाय बना के ना रख के गई हुई है, बोली थी कि पी जाना, गरम गरम जब था तो गुड़िया तो पी गई बट हम पी नहीं पा रहे। इस गुड़िया का आँख खराब हो गया, दिखा दिखेगा नहीं आप लोगों को, लेकिन उसके आँख में दर्द है। दर्द कैसे दिखता है गुड़िया? दिल में दर्द था किसी को पता चला हो तो हम बता दिए तो पता चल गया। ठीक हुआ वाला दर्द अभी नहीं हुआ है? ऐसे कुछ क्लचर लगा लेते क्या? चलो हम लोग ना दुकान पे चलते हैं, चाय गर्म करेंगे फिर चलेंगे दुकान पे। और देखो ना आज छोटी दिवाली है, थोड़ा सा डेकोरेशन भी करना है घर पे। मम्मी को बोलना ना फूल वगैरह निकाल के रखेगी। आज मैं जब रूबी कॉल की मंदिर जाने के लिए तो उठने का एकदम मन नहीं किया, इतना ज्यादा लेट से सोई तरह कल रात में, और फिर ट्रेन का भी पूरा थके मरे थे। ट्रेन पे तो एकदम नींद तो छोड़ो, किसी तरह बस एकदम चुकुमुकु होके तो छोटा सा मैं बैठ के सो के ऐसे ही आए थे। मम्मी बाल धोई नहीं है। चलो माँ के हाथों का चाय को करते हैं गर्म, राइटर मम्मी से लेके जाएंगे हम। हम आ चुके हैं दुकान पे और रुको दादी है और पापा कर रहे हैं लाइट का डेकोरेशन, तो वो स्ट्रिप लाइट जो लाए हुए थे। पापा से अपने पुराने दिन को याद करते हुए ब्लॉग्स को एडिट कर रहे हैं हम दुकान में। चार पीस वीम बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला कलर, पता है हमको ना पापा मम्मी दादी सबको बोले थे पर्पल कलर का लाने के लिए और हम वार्म कलर का ले आए, लेकिन ये वार्म कलर ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। अपने रूम के लिए भी वार्म कलर लिए हैं और पीछे में जो मेरा मरकरी अभी जो ऑरेंज वाला जलाते थे उसको भी हम वार्म कलर में चेंज करने वाले हैं। ये वाला लाइट पता है पूरा ही दुकान में लगा दिया, अभी इधर लग रहा है लास्ट लगता है फिर दिखा दे आप लोगों को पूरा 30 मीटर ये खत्म। अभी कितना अच्छा लग रहा है ना चारों तरफ एकदम 11:11 रात के टाइम पे और ज्यादा प्यारा लगेगा। वाह गाइस मेरी बहन देखी ना कितनी सुंदर है, देखी ना गाइस ये तैयार होके आ गए, हमको धोखा दे दिए, धोखा दे पापा उसने यहाँ कर दिया, बहुत धोखेबाज है गाइस। ओ देखो यहाँ किया अभी कहाँ जाता, मतलब लड़का ने स्टंट मारता है रोड पे ऐसे करके यू टर्न लिया। बहुत प्यारी लग रही हो, थैंक यू। पता है एलोवेरा लाई दीदी, बोली क्या दीदी तुम अपने एलोवेरा बाल में एलोवेरा लगाएगी? नहीं बोली क्या दीदी मैं बाल में एलोवेरा लगाएगी? सतवा पूछने आया दीदी लगाइए क्या, हम आपके तरफ से हाँ बोल दे मैंने लगा लेंगे। फिर हम उधर गए तो हमसे पूछी दीदी लगाएगी क्या, मतलब निकाल दो लगा लेंगे। उसके बाद पता चलता पूरा एलोवेरा खा गई जो बचाई थी, खा गई सारा खा गया। छोड़ो कल लगा लेंगे, हम सोच रहे कल दिवाली कल दो कल लगा देना। अच्छी बहन वाला संस्कार। कलर कैसा लगा बताओ, पर्पल बढ़िया या ये कलर बढ़िया? तुम दूर से चमक रही है, कितना सुंदर लग रहा है। दादी बोली क्या पर्पल कलर लेती ना, उन्होंने मम्मी भी यही बोली पापा भी यही बोले हम येलो कलर उठा ले आए, लेकिन अच्छा लग रहा है येलो कलर है। यहाँ पे हम फ्रिज में डाल दिए और थोड़ा सा खिला देते हैं। अब हम घर आए तो आपको पड़ोस के दोगे तभी ना खाएंगे। मम्मी क्या बोलती है 2 महीना बाद आई है लेकिन आदत सुधरा है जरा सा, अभी वहाँ भी खाली खाएंगे 3 को रोटी और 4 को रोटी, इन्हें की 12 बजे का नाश्ता करें। अरे दुकान से आए क्या बोले यार, आज का दिन मेरा इतना खराब हो गया कि क्या बोले, पीरियड्स आ गया मेरा यार, पेट में अलग दर्द हो रहा है मेरे, हाथ में झिंझुरी लग गया, बैठ के वीडियोज एडिट कर रहे थे। आज के लंच में क्या बन रहा है? लंच में साग भात और भुजिया जो कि मेरा फेवरेट है। स्टील के बर्तन में तो हम खाना भूल गए मम्मी, दोनों वाला मेरा वाला प्लेट का, अरे झुनझुनी लग गया यार मम्मी, मेरा वाला प्लेट फूल बनाओ, फूल और पत्ती बनाओ ये कहते हैं, मेरा वाला प्लेट ये है, मेरा वाला प्लेट एकदम डिजाइन देख रहे हो, हम छोटे से प्लेट में खाते हैं मम्मी, आज बोल रहे तुम्हारा वाला प्लेट क्या है? बिल इसी में रख दिया पापा। इस बुढ़िया दादी ने पता है क्यों चश्मा लगाया, क्योंकि इसकी आंख में क्या हुआ है गुड़िया, आंख में फुंची हुआ है, फुंची एक गुई दीदी दवाई खा लो गुई दीदी। एक मेरा घर है देखते हो, फैन को ऑफ करने के लिए आना पड़ता है। मम्मी सोची कि अभी दुकान साफ करेगी और बताइए टंकी बोलते हैं मोटर में पानी ही नहीं आ रहा, पूरा सूख गया है। तब गुड़िया कैसा लग रहा है घर? अरे गुड़िया मेरा टॉप दे ना, कितना सा मैच करेगा, अच्छा चप्पल भी मैच कर रहा है मेरा, कैसा लग रहा है घर, कैसा लग रहा है अपना, कैसा अमीर वाला फील आ रहा है ना। हम लोग सोच रहे थे क्या उस वाले खिड़की में के लिए ना एक कर्टन ले लेंगे, ठीक है सोच लिए पहले हम दोनों, उसके बाद बोले क्या तो कर्टन लगवा तो देंगे, उसका पापा बोले क्या जो हो रूम में लाएगा तो वो भी नहीं आया, उसके बाद हम लोग कैसे बनाएंगे गुड़िया, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो आइडिया दे सकते हैं। वहाँ क्या देखो ना इधर भी टाइल्स लगवाना पड़ेगा, देख के लग रहा है कितने घर में नया नया पुट्टी हुआ है, कलर होगा तो 1 महीने का 10 दिन में खराब हो जाएगा,
तो एक टाइल्स उसमें और लगवाना पड़ेगा। टाइल्स तो वैसे पसंद नहीं है लेकिन अब लग गया है तो क्या कर सकते हैं। सेम इसी तरह का टाइल्स यानी तो स्काई ब्लू कलर का या व्हाइट कलर का एक लेयर और लगवा देंगे। वाओ, कितने दिन के बाद साग भात खाने वाले ना। तो अंदर से खुशी हो रहा है ना गुड़िया। गुड़िया का चूड़ा से जो चूड़ा लो, नमक भी खाएगी। लो लो और नमक लेगी। अचार मत दो, मेरा पेट में दर्द है। तुम थोड़ा लेट हो, ट्रेन में थोड़ा लेट हो। पेट में आग लगे लगे लेकिन स्नैप और मम्मी का खत्म होने वाला है। बोलते पेट में आग लगे तो लगे। आप बता दी इधर खाना पीना खाए। गुड़गुड़ सुनना, याद होगा तुमको हम ब्लू कलर का टॉप दिए हैं कल। हाँ। बट उसको देने से पहले तुम्हारे लिए हम कुछ सरप्राइज प्लान किए थे और तुम्हारे लिए ऑर्डर किए थे, वो आ चुका है। चलो 2 मिनट में आ रहा है। आ गया, लेके आओ। बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से। नहीं मतलब नहीं नहीं मतलब इंसान सरप्राइज दे रहा है, इंसान गिफ्ट दे रहा है किसी को, तो जान ले के आओ। नहीं हो गया कोई बात नहीं, ऐसे भी अपने साइज का मंगवाया। मैं भी ऐसा तो जो भी है उसको फिट करवा लेंगे। OTP मिल गया पार्सल हमको। कैसे हैं दादी, कैसे हैं? बढ़िया। मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ? 6 को मेडल और 2 सर्टिफिकेट। वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आना घर पे, ठीक है? तीनों आना। खुल जाओ यार, खुल जा सिम सिम। तो गाइस गुड़िया के लिए आ चुका है गिफ्ट, चलो दिखाते हैं। ला 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 टन टन टन, क्या आ गया? तुमको कैसे पता था? तुमको जैसे पता था एक्टिंग ऐसे कर लेती हो। टन 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 टन, देखो कैसा है। खोल के देखो ना रे। ऐसे से तो हम कभी पार्सल अनबॉक्स ही नहीं करते। अरे हो गया भाई, फाड़ो ना, इतना एक्टिंग करेगी। अरे उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो उतना अच्छा हमको भी नहीं लग रहा है। खोलो के देखो, बताइए ना। बड़ा साइज है गुड़िया, तुमरे जैसे 4 लोग अटेंगे बस। ठीक है यार, कैसा लग रहा है मम? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। चलो मम्मी को पसंद आ गया, मम्मी कर दी तो मतलब गुड़िया का हो गया। चलो टन टन, खुश हुई कि नहीं ये बताना, खुश हुई कि नहीं? हाँ। अरे कद में ना, देखिए आज कबूल ली ना हाइट में और क्या कहते उम्र में हमसे छोटी है। देखिए क्या लेना मम्मा, उम्र में तो बड़े ही ना है यार, तुमने 4 साल। ये कौन ही देंगे ना, हर टाइम ना लोगों को कंफ्यूज मत किया करो। हर टाइम कंफ्यूज करती है, सबको लगता है मम्मी बड़ी है। तो बड़े ही ना मम्मी। हाँ रे हम ही बड़े, मतलब तुम ही बड़े। हाँ दीदी तुम्हारा ड्यूटी है लेके जाओ अपने। हाँ ये तुम्हारा ड्यूटी है, मेरा काम ही नहीं है। हम लोग हम और मुनिया जाएंगे छत धोने के लिए। हाँ मम्मी, हाँ ये करवा लो मेरे से। हाँ देखे मेरी मम्मी पार्सलिटी नहीं करती, हम दोनों में हम दोनों के दम बराबर रखते हैं। उसके बाद हमको लेके जाएगी। तो हाँ दुकानदारी में मेरा जाता है, हम पापा का नहीं, पापा का मेहनत काम करते हैं। ये बात तो है भाई, हमको दुकान में मजा आता है। और मेरा पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है यार, गर्म पानी करना पड़ेगा अगर पेट को सेकने के लिए। अचानक से ऐसा दर्द हो गया। हम जा रहे हैं मम्मी, थोड़ा सा लेटते हैं, रेस्ट करते उसका फिर चलेंगे थोड़ा सा छत धोने के लिए। काफी सारा काम है गाइस, हमको मेरा पर्सनल भी, हम सोचे थे कि पेंटिंग ही पेंटिंग बोल रहे हैं, पढ़ाई भी कर लेंगे बट हो नहीं पाया। तो फटाफट से वीडियो निकालते हैं, 3 वीडियो मेरे फोन में है, 3 ब्लॉग है ऐसे, तो मिनी ब्लॉग बहुत सारा है। फटाफट से अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर फोन को फ्री करते हैं, फिर बैठेंगे पढ़ाई करने के लिए। सुन रही है, व्हाइट दुपट्टा पहन लेना। बाकी गाइस अकॉर्डिंग टू प्राइस 350 नहीं 300 का ही है। 300 रुपए का लैग तो ठीक है ना मम्मी, ठीक ही लग रहा है। बताओ मम्मी तुम ब्लाउज सिलवाती है 300 रुपए में, तो 300 रुपए में पूरा दे रहा है, नीचे का भी ऊपर का भी, तो सही लग रहा है। थोड़ा सा बड़ी लग रही है अभी, लग रही है कि तुम मेरे से बड़ी बहन है। हाँ लग रही है अभी, लेकिन है ना छोटी सी बच्ची हूँ गाइज मैं, इसकी बड़ी बहन हूँ लेकिन लगती नहीं हूँ। क्या बड़े, क्या बड़े होके क्या उखाड़ ली बताओ? जैसे हम छोटा होकर कुछ नहीं उखाड़ पाए। फूल तोड़ सकते लेकिन तुम नहीं। हम तू गिरा हुआ फूल उठा सकते हैं, तुम लेकिन तुम हम भी उठा सकते हैं। नहीं तुम गिरा हुआ चीज उठाएगी, इतनी बेशरम हो। सच में बड़े लगे हम छोटू छोटा बच्चा है गाइस, छोटू छोटा बच्चा, हम छोटू छोटा बच्चा। ये राम मम्मी काट ली कर, पता है घुटना तोड़ी अपना। मम्मा केंट में पानी नहीं आता, मैं अच्छी बच्चे की तरह ना केंट को ऑन कर दिया। घर का बना बेसन का लड्डू हम ये खा रहे हैं, लास्ट पीस बचा था, मतलब ये पहले का है। लो पाइप, चलिए हम और मम्मी मिलके धोने वाले हैं। पापा को बुला के लाना पड़ेगा, वो जो पाइप होता है ना, पाइप लेके सोचे नल में अटैच कर देते, उसके बाद फिर कहेंगे हुआ ही नहीं, इतना छोटा सा लग ही नहीं रहा। गाइस दादी बना रही है बेसन का लड्डू, और गुड़िया क्या कर रही है? तुम कर क्या रही है गुड़िया? इलायची कुटाई। झूठो, मदद तो कर नहीं रही है।
मदद कर लियो गुड़िया, छुएंगे तुम्हारे गाल में प्लस लगा देंगे, इलायची कूट लियो गुड़िया। सोए होंगे, कैसे बुलाए, कितना बजा, 4 बजे तक बुलाएंगे, नहीं बजा भी पक देंगे। मम्मी अभी 3:30 बजे, पापा पे दया दृष्टि दिखाते हुए हमने उठाए, तो अभी हम ऐसे बाल्टी से कर देते, पहले इधर का तो छत धो, ये वाला छत धो, तो उसके बाद फिर उधर में धोने में करेंगे। वुमेन्स कॉलेज में ज्यादा ज्ञान की बातें सिखाई जा रही है क्या, इतना ज्ञान देती है लड़की हमको, देखो ना क्या कर रही है नीचे में। गाइस अभी हम बना रहे हैं सैंडविच और ये अनहाइजेनिक का कोई बात ना करें, हमारा किचन साफ है। ओह माय गॉड, अनहाइजेनिक नहीं है ठीक है, वो तुम्हारे शक्ल की तरह खाली गंदा है और कुछ नहीं, गंदा नहीं है यार, मतलब ये थोड़ा सा सीमेंटेड होता है ऐसा हो जाता है। बाकी हम ये कहना चाह रहे थे, ये देखो ना स्माइली स्माइली कर रहा है, बीच में बुबू का एक लिख रहा है, इससे हमको आइडिया आया, कुछ आइडिया आया। चलो गाइस अभी हम लोग सैंडविच बना लेते हैं, देंगे देखो गाइस। क्या बाबू, क्या दिए मानो को दिखा दो सबको, क्या है इसका नाम क्या है, देखो ना चॉकलेट जेली और लगी मानो, क्या मानो कैसी है तुम बताई सबको, अच्छी है मानो, कौन दीदी है नहीं पता होगा तुमको, तो पता है नाम कौन दीदी है, मेरा नाम क्या है नहीं पता, गुड़िया बोलती है मेरा नाम, मैं बोले मेरा नाम क्या बोलती है नहीं पता, इसका नाम पता है वाली दीदी का, मेरा बच्चा देखो कितना क्यूट है। अच्छा ये दीदी का नाम क्या है, दीदी का नाम क्या, दीदी का नाम, मेरा नाम क्या है नहीं बताएंगे, बोल रही है क्या नाम है दीदी का, क्या नाम मनु, मनु अपना चूड़ी दिखाओ सबको, चूड़ी दिखाओ ऐसे से हाथ हिला के, चूड़ी दिखा मतलब वो कितना क्यूट है, गुड़िया दीदी के लिए खिला देंगे, अच्छा देखिए खिला देना मनु है, क्या छोटी की है, कौन कर दिया, मम्मी कर दी, और मम्मी दिवाली का क्या दिलाई, कपा दिलाई तुमको, नहीं क्या ली तुमको, पापा क्या दिलाए, पापा क्या दिए, तो हम दिए, पापा क्या दिए, कुछ ने वहाँ बता दो सबको, पापा कुछ नहीं दिए इसको बता दो, बोलो कुछ नहीं दिए क्यूट है गाइस, देखो कितनी बड़ी हो गई मेरा बउआ, कितना बोला हो गया, ये नहीं खाएगा मेरा बउआ, अरे खुल गया खुल गया खुल गया, खाओ 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 खाओ, हाँ पीना है, खाना भी है पीना भी है, कैसा लगा, कैसा कैसा लगा, पाइप 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 नहीं है, चम्मच से खाएगी, चम्मच से, हाँ ये चम्मच लाओ, चम्मच लाओ कोई, ए शुभम भैया चम्मच लाओ, चम्मच लाओ मनु, ऐसे करी आली मेरी मानु से सुंदर नहीं है लेकिन दिखाए तो, चलो फुआ गया, चलो तब दिखाएंगे, चलो हमारा नाश्ता हो रहा है गाइस, सैंडविच पार्टी चल रहा है, सबको बाय कर दो, फिर मानु उनसे मिलना ठीक है, फिर आना ठीक है मानु, सबको फ्लाइंग किस दो, हमको किसी दो, हमको किसी दो, ईगो जल्दी से, फिर हम दे देंगे, फिर सुबह मेरे को दे देंगे, मैंने सुबह फिर आना ठीक है, जेली ला देंगे ठीक है, कौन सा कलर लाएंगे बता दो, पर्पल भी, और कौन कलर का, और कुछ रेड नहीं, हाँ रेड भी, और गाइस देखो मुझे क्या मिला, पालक पनीर, मम्मी भी यही बोली, सत्यम भी यही बोला, सबको यही बोला, देखो कितना सारा पटाखा मिला गाइस इसको, दोस्त की खातिरदारी की जा रही है, बाल काट दे उधर के, मेरे बाल काट देगी, खोले पालक अलग है इसमें और पनीर अलग है, हमारा नहीं है, पापा कहाँ है, चले गए पापा, पापा चलो निकालो, ज्यादा वाला निकालो ना, तो सामने जो नाश्ता बनाया तो उसका कुछ कुछ बर्तन धोने का था, ये सारा धोती है, और मम्मी देखो आटा यहाँ पे सान के गई हुई है, वैसे तो मम्मी को भरोसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे से रोटी बना सकते हैं, मम्मी को अभी भी ऐसा लगता है कि हम पहले जैसा रोटी बनाए थे, मतलब थोड़ा वो जैसे बनाता था ना कड़ा कड़ा एकदम चिम्मड़ चिम्मड़ सा हो जाता था, अब हम धीरे धीरे बनाते हैं, इतना सीख गए, जैसे कि आप लोग देखते हैं हम डेली डेली रोटीज वगैरह बनाते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं, पता है मम्मी ना हद से ज्यादा सॉफ्ट आटा बनाती, देखते हो आपको आइडिया लग रहा होगा, इतना सॉफ्ट हम बहुत बार ट्राई किए हैं खुद से भी बनाने का, बट मेरे से बनता नहीं है रोटी, फिर भी चलो ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो मैं एक बना के छोड़ देंगे, मम्मी के बनाए हुए आटे का ना हमसे रोटी ना बनने वाला है, दो आंख बन चुका है इसमें, एक बना दिया था वैसे जिसको की गुड़िया दीदी खा रही है, उसमें से कर करके रोटी घी में पोती थी, सॉरी मम्मा मैं ट्राई कर रहा था रोटी बनाने का, बट ये रोटी का बदला पोटी बन चुका है गाइस, छोटी दिवाली में यहाँ पापा देखे दिवाली मना रहे, पूरा दीजिएगा तो ना गिरवे नहीं किया, हिलाइएगा नहीं, हिलाइएगा हिलाइएगा तो खराब हो जाएगा, हिलाएंगे रे और लेके आ रही, और लेके आ, अरे हो गया रे, नहीं होगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी, मैदा से यहाँ रंगोली बनाया जा रहा है, दुकान छोड़ के यहाँ पे हम लोगों का रंगोली बन रहा है, बताइए, ओहो इस बार बन गया, कितना सुंदर बना,
इसमें मैदा से बना इसलिए ऐसा हो गया, मैदा खराब। मम्मा पूजा कर रही है आज का जमदिया का। हम लोग पता है मम्मी नीचे में रंगोली बनाए, चलो ना दिखाएंगे। हेलो बच्चे, बाल बच्चे, बाल थोड़ा बड़ा सही है भाई, जो पैर बाहर फेंक रहा है ना थपड़ा देंगे, अंदर कर लो। गाइस पता है मम्मी पूजा कर रहे हैं, हमारे मम्मी पीछे पीछे घूम रहे हैं, बुढ़िया चावल लेके और हम पानी लेके क्यों घूम रहे हैं हमें भी नहीं पता। मेरे पास पॉकेट ही नहीं है, कहां मेरे पास भी पॉकेट नहीं है, हम कहां। अरे पता नहीं चीटी को क्या प्यार चढ़ा है मेरे पूरे गले में, बोल के हम साफ सफाई कर रहे हैं, पापा एसी चला दिए। हां जानती, हम आए ना, उन्हें ठंडा लग रहा है भाई, एसी क्यों चला हुआ है मम्मी को पता ही नहीं है। और ठंडे में बताओ उतना पूरा भींगे भींगे ठंडे में काम कर रही थी। अब देखो ऐसे बोलोगे तो चलेगा मम्मी, तुम मम्मी। अरे अगरबत्ती लगेगा, अगरबत्ती लगेगा, जा जाकर पूछो दादी को दिया कैसे रखना, मम्मी पूछ रही है बताओ। कान में बनाने का यही होता है, कोई ना कोई आगे चढ़ गया इसके ऊपर। गाइस मैं बैठा हूँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने के लिए, और यहाँ जो है ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट मेरी दे रही है छोटी मम्मा, और छोटा मम्मा जो है ना मेरा हमको बड़ा 5 रोटी खिला चुकी है अभी तक, 10 रोटी। तुम्हारा को भरोसा है? हाँ ये वाला गाना अभी स्टोरी लगा, 5 मिनट का स्माइल अभी पता है स्टोरी लगाया। आप लोग देखे हो मेरा वाला स्टोरी, अगर देखे हो इंस्टाग्राम पे तो कमेंट में बताना। पता है आप लोगों को पूरा दुनिया सजा हुआ है सिवा मेरे घर के, मेरे घर पे आज लगा काय भाई तुम बिरनी के जैसा कर रहा है यार, ड्रैगन फ्लाई उड़ रहा है। हाँ वही बोल रहे हैं मेरे पिता, वही बोल रहे हैं क्या कि आज जो है ना नीचे का काम वाम चल रहा था, पलंग के नीचे था तो पापा को समझ में नहीं आया, मम्मी छत धो रही थी, लाइट निकला नहीं, पापा निकाले नहीं तो लाइट लगा नहीं, देखे कल लगेगा। सुंदर तो तुम हो ही नहीं। चलो गाइस आप लोगों से मिलते हैं। अरे क्या तुम बोल रही थी यार, पूरा बात खत्म करो। जब यही कह रहे थे कि मेरे घर में लाइट नहीं लगा तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का, लग रहा है मेरे घर में दिवाली नहीं हो रहा है। हाँ तो ये और डैडी मिलकर लगाएगी कल, और चलिए आप लोगों से मिलते हैं कल के एक नए शानदार ब्लॉग्स में, जो कि लग जाना चाहिए था आज ही लाइट, बट लाइट लगता तो भाई मेरा पूरा एकदम मंदिर पूरा छत में लगाते हैं पापा, बहुत सही लगता है। जब वीडियो को अपलोड करते करते यहाँ ओबी का फर्स्ट मॉड्यूल हम कंप्लीट कर रहे हैं, और टाइम देख लो कितना ज्यादा हो गया, और अब नींद से मेरा हालत खराब हो रहा है। आज भी हम सोचे थे कि 5 बजे उठेंगे, मतलब अभी सो जाएंगे और 5 बजे उठ के जाएंगे मंदिर, बट हमको नहीं लगता है कि हम सुबह उठ पाएंगे अब, क्योंकि ना नींद से बहुत ज्यादा हालत खराब हो रहा है। एक्चुअली में ना आज हम पढ़े नहीं थे कुछ भी, हमको इतना ज्यादा अफसोस लग रहा था कि भाई हम सुबह से कुछ पढ़ाए नहीं किया। कभी कभी पता है कंटेंट क्रिएटर होना और डेली ब्लॉगर होना इतना भी आसान नहीं है, हर चीज को एक साथ मैनेज करने का, सारा कुछ करके भी ना कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपने लाइफ को नहीं जी पा रहे। लाइक हम 2 दिन से यहाँ है, 2 रात हो गया मेरा यहाँ अपने घर पे, बट ना हमको ऐसा लग रहा है कि हम इन 2 दिन में ना बस अपना घूम फिर के जो भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हम बस वीडियोज ही एडिट कर रहे हैं। लाइक हम व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग एडिट कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, बट हम जो होता है ना 2 दिन से घर को जी नहीं पाए। लाइक होता है ना जैसे हम कैसे बताएं आप लोगों को कि जैसे होता है ना किसी चीज को फील करना कि हम घर पे हैं, इस जगह पे हम बैठ के 5 मिनट सेल्फ टाइम एंजॉय किया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से आए बस ऐसे ही है, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन करके भी हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम बैठे बैठे यही सब कुछ सोचे, फिर हम बैठ गए पढ़ाई करने के लिए, ओबी का भी हम मॉडल पढ़ रहे हैं, तो ये हम कंप्लीट करके ही जाएंगे। और चलिए आप लोगों से मिलेंगे कल सुबह 8:30 बजे एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ, और कोशिश करेंगे कल इस गिल्ट में हम ना सोए कि हम भाई कुछ नहीं किए सुबह से हम। चलो इसके साथ मिलते हैं आप लोगों से। कभी कभी होता है यार ऐसा कुछ आने लगता है दिमाग में कि लाइक तुम कुछ करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा पूरा समय वीडियोस एडिटिंग में, ब्लॉग्स बनाने में एंड घर के कामों में चला जा रहा है, तुम खुद को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा सा कभी कभी ना ऐसा फील होने लगता है। चलो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से कल। ओके बाय।